रोने का एक्टिंग करना ओके, तुमको बोलेंगे तुमको हम डांटेंगे तुम रोना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का ब्लॉग सब कुछ। सबसे पहले आज है 12वां रोज़ा, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और है हमारा दिन आज से, आज किस तरह से बीता, सुबह की 6 बजे से शाम के 8 बजे तक। तो फटाफट सबसे शेयर करते हैं कि क्या क्या हुआ आज दिन में। तो सबसे पहले हम सुबह उठ के नवाफ और नुहा का जो भी पॉटी शॉटी नाश्ता वगैरह जितना था वो सारा ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे नवाफ और नुहा को लेके आई छत पे, ताकि मैं इन लोग को नहला सकूँ दोनों को। तो छत पे आने के बाद जो हुआ ना, तो उस टाइम पे लाइट चली गई थी और टंकी खाली था। तो मैं तो आई थी यहाँ पे नहलाने के लिए, लेकिन टंकी खाली था, पानी बिल्कुल भी नहीं था और बहुत कम थोड़ा सा पानी था, एक का भी नहीं होता। तो मैं सोची चलो इसको नहलाते नहीं, फिर मैंने दोनों का अच्छे से मुँह हाथ धो के नीचे लेके आए। और पहले तो लोग छत पे इतना इंजॉय किया दोनों, आने का उन लोग को मन ही नहीं, ऊपर से इतनी कड़ी धूप, लेकिन वो लोग धूप में भी इधर से उधर करते रहा। फिर मैं ज़बरदस्ती पकड़ के दोनों को लेके आई नीचे। नीचे आने के बाद फिर नवाफ अपना वही कारीगरी काम जो वो करता रहता है हर टाइम कुछ ना कुछ, तो वो आज मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगाया तो वो मुझे झाड़ू लगाते हुए देख लिया, तो वही अब वो झाड़ू लगाएगा, इसकी वो जिद करने लगा। और उसके बाद फिर जो है वो धीरे धीरे करके कुछ वहाँ पे था, तो इधर बोला नाना का रूम में लगाएगा, इधर लगाएगा, उधर लगाएगा। फिर मैंने कहा चलो ठीक है लगा लो। फिर वो थोड़ा बहुत झाड़ू लगा रहा था, फिर वो उठाने वाला भी लेके आया, तो उठाएगा फिर झाड़ू भी लगाएगा। तो मेरा बेटा ये सब काम में बहुत एक्सपर्ट है, वो एकदम से खाली उसको देखना चाहिए कि कोई कुछ कर रहा है काम करने में। मेरा बच्चा तो लगता है भाई क्या है, तो वो काम करने में उसको बड़ा मज़ा आता है। और हाँ अभी तो मज़ा आएगा ही ना, क्योंकि अभी वो काम कर नहीं सकेगा इसलिए मज़ा आएगा। हर बच्चों का होता है, जिस उम्र में काम करने पाएगा उस उम्र में तो ख़त्म, काम ही नहीं करना है। लेकिन जब तक उन लोग से काम नहीं होगा तब बड़ा काम करने का मौज चला रहता है कि नहीं करना है। अभी नुहा भी वैसे ही करती है कि उसको वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, तो कुछ ना कुछ ले के हाथ में घस घूमते रहेगी इधर से उधर उधर से उधर। और मेरी बच्ची अभी उठ चुकी है, तो गाइस मैं एडिटिंग को बाद में करूँगी। ओ माई गॉड। चलो, और नवाब का ये सारा काम ख़त्म होने के बाद मेरा भी अपना जितना सारा काम था मैं वो सारा ख़त्म करने के बाद जो है फिर हम आए नीचे। और नीचे जो है यहाँ पे जा अटक गया। वेलकम टू माई चैनल। और मैं आई हूँ अभी नीचे अपने दोनों बच्चों को लेके, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, फ्री टाइम देने। एक्चुअली दोनों ऊपर रहता है ना तो बोर सा हो जाता है, तो इसी वजह से हम नीचे आए हैं और दोनों को थोड़ा सा खेलने दिए, गंदा होने दिए, मिट्टी के साथ खेलने दिए। और अभी ना ये जो है शाम का टाइम है, तो अभी का टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे धूप उप नहीं रहती है, और सुबह के टाइम पर धूप रहती है और जो है इस वजह से आ भी नहीं पाते हैं। तो अभी मैं आई हूँ और अभी 4:30 के आसपास हुआ है, अम्मा जो है ऊपर खाना का इंतज़ाम कर रही है, डिनर हुआ इफ्तारी का। तो अभी हम लोग जाके फटाफट से दोनों, हम लोग माँ बेटा बेटी मिलके
फिर हम लोग इफ्तारी लगाएंगे और जो काम है वो फटाफट से हम लोग ख़त्म करेंगे। नवाफ आजकल मेरे साथ हर काम करता है, उसको मैं कहती हूँ कि बेटा चटाई बिछा दे तो वो कोशिश करता नहीं, उसके बाद प्लेट सब ले जा ले जाके रखता है, उसके बाद पानी का जो है गिलास, उसके बाद हर चीज़ वो अपने से उससे जो हो पाता है ना वो हर चीज़ करने की कोशिश करता है। आजकल मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है ना माशाल्लाह। और गाइज आप लोग मेरे वीडियोस अगर देखते हो लाइक भी किया करो ताकि मुझे पता चले आप लोग मुझे देख रहे हैं, और कमेंट भी किया करिए ताकि मुझे मतलब नहीं हो कि नहीं आप लोग देख रहे हो कि कुछ। उसके बाद अरे ये दोनों का अभी प्लेइंग टाइम है, थोड़ा खेलता है लोग, और इसको मैं ना देखा हम लोग रहते ऊपर मैं है, नीचे में जो हम लोग इधर जो है रेन पे रहता है, तो अभी शाम के टाइम, शाम भी नहीं है अभी, थोड़ा सा ऐसे ही इस टाइम पे आते हैं, चार बजे के आसपास दोनों को खेलने लेके आते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम जो ना दोपहर के टाइम यहाँ पर धूप रहता है तो उस टाइम आ नहीं सकते, और सुबह के टाइम पे भी धूप रहता है, अभी गर्मी का टाइम है तो अभी ऐसे ला के छोड़ देते ना, इस टाइम पर आराम से बच्चों लोग खेल लेता है यहाँ पे। देखो ये लोग खेल देख रहे हैं, उधर नहीं जा बेटी, बेटा नवाफ नुआ को पकड़ के लेके आओ, पकड़ के लेके आओ उधर से, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, रो रही है शायद, नहीं नहीं आ गई, ये देखिए गाइस नुहा अपने नानी के पीछे पीछे जा रही है, और नवाफ यहाँ पे ना चिल्ला रहा है नानी नानी करके, तुमको भी जाना है, जाना मत जाओ अभी, तुम गंदा हो बेटा, तुम्हारा कपड़ा वपड़ा ठीक नहीं है, देखो नुहा चली भी गई, देखो नुहा जा रही है अपने नानी के साथ, टूई 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 करते करते, जाओ तुम भी जाओ 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 जाओ, रो मत जाओ, तो गाइस चलते हैं ऊपर अब और इफ्तारी लगाएंगे। यहाँ पे नवाफ और नुआ बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है और रखा नहीं जा रहा है, कुछ बाइक्स है यहाँ पे, डर भी लग रहा है मुझे, तो मैं पहले ऊपर चलती हूँ फटाफट से, उसके बाद इफ्तारी लगाएंगे। बाय बाय गाइस। तो मेरे जो सारे फ्रूट्स का कटिंग शटिंग होने के बाद मैं ये सारा जो है इसको ले जाके ना ऊपर में हमने छत पे टमाटर का पेड़ लगाया, उस पर मैं डाल दूँगी, इससे ना बहुत अच्छा जो है खाद बनेगा। और उसके बाद यहाँ पे छत पे कुछ कपड़े मेरे थे ही, मेरे तो नहीं, नवाफ के और नुहा के, तो मैं जब ऊपर आई तो मैं, और टाइम बहुत बचा हुआ था इस बार इफ्तारी कर जो है मैंने सारा कुछ बहुत पहले ही लगा दिया है, आधा घंटा पहले लगा दिया है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये कपड़े समेट लिए जाए, वैसे तो मैं हमेशा कपड़े ले जाके नीचे समेटती हूँ ज़्यादातर, और तो मैंने सोचा कि जब इतना टाइम बचा हुआ है तो यहीं पे समेट लेती हूँ, तो समेट ली, और नुहा भी आ चुकी है अपना जो है नानी के साथ, नुहा गई थी पर नुहा आ गए, और नवाफ मेरे साथ आ चुका था, नवाफ को मैंने नहा धुला के अच्छे से
जो है रेडी करके, वो अभी उसका कुछ दिन से जो है अभी हैबिट चेंज हो गया है, वो आजकल जो है इफ्तारी के टाइम ही सो जाता है, तो उसका अब सोने का टाइम हो चुका है, तो इफ्तारी करने के बाद शायद वो सो जाएगा। तो चलते हैं और अपना जो है सारा समेट के नीचे चलते हैं, इफ्तारी करने के बाद मिलेंगे गाइस। गाइज अभी बज गया रात के 8 और आज मेरे दोनों बच्चे जल्दी ही सो गया है, नवाफ और नुहा, मच्छरदानी लगा दी हूँ मैं, जो है नवाफ और नुहा दोनों सो गया है जल्दी, मैं अभी दिखाऊंगी नहीं इधर सो रहा है दोनों, जल्दी सो गया लेकिन भोर में उठ जाएगा। तो गाइज मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।